गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सांबर के चौहान वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चौहान राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान की थी, ठीक है। तो यदि आप लोग पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो भी समझने में आसानी रहेगी। तो एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं कि चौहान कौन थे, ठीक है। तो चौहान वंश है, यह एक भारतीय राजपूत राजवंश था, और जो चौहान वंश है इसको चौहान वंश भी कहा गया है, और इसके शासकों ने जो राजस्थान है, गुजरात है, इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उन पर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था, ठीक है। और जो चौहानों द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसको सपादलक्स कहा गया है, और मतलब कि जो आपका ये जो चौहान राजवंश हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपका सपादलक्स है, जांगल देश है, साकंबरी है, इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिएगा, जो चौहान थे इनके कई शाखाएं भी थी, जिनमें से महत्वपूर्ण तीन या चार शाखाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जो चौहान हैं इनके बारे में कई लेखकों ने, इनकी उत्पत्ति के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग मत भी दिए हैं। जैसे कि कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि भाई जो चौहान हैं वो अग्निवंशीय थे, कई कहते हैं चंद्रवंशीय थे, कई कहते हैं कि ये अग्निकुंड से, जो मुनि वशिष्ठ उसके अग्निकुंड से पैदा हुए थे, कई बोलते हैं ब्राह्मण वंशीय थे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो चौहान राजवंश से संबंधित जो वीडियो हमने पहले बनाया है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, चौहानों की जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी कौन कौन सी थी, सांभर के चौहान और आपके अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान। तो देखिएगा, जो सांभर के चौहान हैं इससे भी दो शाखाएं निकली हैं चौहानों की, कौन कौन से हैं वो, नाडोल के चौहान और सांभर के जालौर के चौहान। इन सब के संस्थापकों के बारे में भी हमने आपको अच्छे से पहले वाले वीडियोज़ में बताया है। तो देखिएगा, अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मतलब कि जो सांभर चौहानों की जो सांभर शाखा है उसके बारे में जो जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, जो मतलब कि जो चौहान हैं इनके बारे में हमें मतलब कि इनके शासकों के बारे में हमें इनके शासकों द्वारा खुदवाए गए लेखों से और इस समय के जो समकालीन साहित्य है उससे हमें पता, इनकी जानकारी का पता चलता है। और अभिलेख और साहित्य ग्रंथों के अलावा कई ऐसे मुसलमान लेखक भी हैं जो उस समय दरबार में रहते थे, उनसे, उनके विवरणों से भी हमें चौहानों के इतिहास से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। तो देखिएगा, चौहान वंश की उत्पत्ति जांगल देश में हुई थी, और जांगल देश कौन सा क्षेत्र था, बीकानेर का, ठीक है। जांगल देश को बाद में सपादलक्स भी कहा गया है, और चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी वह थी अहिछत्रपुर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं चौहानों की पहली राजधानी कौन सी थी, अहिछत्रपुर। इस स्थान की पहचान मारवाड़ के नागौर, जिसका प्राचीन नाम क्या था, नागपुर, वहाँ से की जाती है। और पहले बीकानेर राज्य का जो भूभाग है उसको जांगल देश भी कहा जाता था। और जो आपका सपादलक्स है इसका अर्थ है 1.25 लाख ग्रामों वाला स्थान। जांगल देश के पहले राजा का नाम वासुदेव था। तो जांगल देश का जो पहला राजा था, अर्थात चौहानों का जो पहला राजा था, वह था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की नींव डाली थी। और जो वासुदेव चौहान है इसने अजमेर के उत्तर में सांभर, ठीक है, अजमेर के उत्तर में सांभर स्थित है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। और दशरथ शर्मा का विचार है कि चाहमान नामक व्यक्ति इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। और साकंबरी स्थानीय देवी का नाम था जिसके उपासक चाहमान थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि चौहानों की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, साकंबरी, ठीक है। अब देखिएगा, जो 12वीं शताब्दी में जो सबसे शक्तिशाली और विस्तृत जिसका साम्राज्य था वो कौन थे, चौहान थे, ठीक है। और जो आपका चाहमान शब्द है इसे
चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, ये बात कौन बताता है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ। और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन थे? जयानक थे। ठीक है, तो ये देखिएगा जो जांगल देश है ये कौन सा क्षेत्र था? बीकानेर राज्य का भूभाग। सपादलक का मतलब होता है 1.25 लाख ग्रामों का समूह है। और जो आपका चौहानों की प्रथम जो राजधानी है वो थी अहिछत्रपुर। और साकंबरी है, ये है चौहानों की कुल देवी थी। साकंबरी का स्थित है सांबर में। चौहानों का जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, या जो चौहानों का संस्थापक है वो कौन था? वासुदेव चौहान। ठीक है, अब देखिएगा साहित्यिक स्रोत। तो इस वंश के प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का पता हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख, ठीक है, तो हर्ष प्रस्तर अभिलेख कहाँ स्थित है? जयपुर में। और सोमेश्वर के समय के बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख से होता है। सोमेश्वर कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। ठीक है, और बिजोलिया प्रस्तर लेख है ये, मतलब आपका बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख है, 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया। और इसके लेखक कौन थे? गुणभद्र। ठीक है, अब देखिएगा इन अभिलेखों में चौहान वंश के राजाओं की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं इनका विवरण प्राप्त होता है। तो विग्रहराज चतुर्थ के समय का जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख है इसकी तिथि क्या है? यदि विक्रमी संवत में पूछे तो 1220 ईस्वी, और यदि ईस्वी में पूछे तो 1164 ईस्वी है दिल्ली। तथा इससे क्या होता है कि जो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख है इससे हमें दिल्ली और उसके जो समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उसकी विजयों की सूचना मिलती है। सॉरी, अब देखिएगा पृथ्वीराज विजय और जो सुरजन चरित हैं इनसे पता चलता है कि इसी देवी की कृपा से वासुदेव ने सांबर क्षेत्र को प्राप्त किया था। तो इसी देवी कौन सी देवी? साकंबरी देवी। अब जो आपका पृथ्वीराज विजय है इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? जयानक। कई बार पूछ लेते हैं जयानक के बारे में, तो जयानक है ये कश्मीरी पंडित थे और ये पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमें बताते हैं। और जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय है उसका और मोहम्मद गोरी का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन ये पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ करता है। ठीक है, उसके बाद आपका है सुरजन चरित। तो सुरजन चरित के लेखक कौन थे? चंद्रशेखर। और इसके बाद आपका आता है चौहान युग की साहित्यिक रचनाओं में जो सबसे पहले उल्लेख है जयानक भट्ट द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य का किया जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट बात है ये। और पृथ्वीराज तृतीय है इसके समय में जो आपका जयानक है ये दरबारी विद्वान था। और पृथ्वीराज विजय है इसमें वर्णित घटनाओं की पुष्टि अभिलेखों से भी होती है। ठीक है, और इस प्रकार यह ग्रंथ इस काल की घटनाओं की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? पृथ्वीराज विजय। और लेखक कौन है? जयानक भट्ट। और शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। उसमें अन्य रचनाओं में जयचंद्र का हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जयचंद्र। और ये चौहान वंश का इतिहास और परंपराओं का आदि काल से विवरण देता है, यानी प्रारंभिक काल से। और लेकिन बात यह है कि जो हमीर महाकाव्य है इसका विवरण पृथ्वीराज विजय के विवरण जैसा सही नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। और एक जो इम्पोर्टेंट जो लेखक थे वो थे चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की और ये भी चौहान वंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अब देखिएगा जो मुसलमान लेखक है वो हमें चौहानों के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो देखिएगा अलबरूनी, उत्बी, हसन निजामी, मिनहाजुद्दीन, फरिश्ता आदि के नाम मुस्लिम लेखकों में फेमस हैं जो हमें ये साकंबरी के चौहानों के बारे में बताते हैं। तो देखिएगा जो साकंबरी के चौहान शासक हैं उनके इतिहास हमें उसके उनके शासकों द्वारा खुदवाए गए लेखों तथा समकालीन जो साहित्य है उससे तो मतलब उनके बारे में पता चलता ही चलता है। इसके साथ ही साथ मुसलमान लेखक हैं उनके विवरण से भी हमें चौहानों के इतिहास से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और एग्जाम की दृष्टि से भी ये मुस्लिम लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अलबरूनी के बारे में, इनके बारे में हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, मोटा मोटी हम आपको यहाँ पर बताएँगे।
तो देखिएगा जो अलबरूनी है ये फारसी विद्वान था और इसने किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद की रचना की, और अलबरूनी है इसको भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पहला जानकार किसे कहा जाता है? अलबरूनी को। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। और एक विद्वान है उत्बी, तो उत्बी है यह है महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। इसने तारीख ए यामिनी या फिर अपनी इस पुस्तक का दूसरा नाम किताब उल यामिनी भी बोल सकते हैं, ये इसने लिखी थी। तो तारीख ए यामिनी या फिर किताब उल यामिनी उत्बी की लिखी गई पुस्तक है और ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। फिर है आपका हसन निजामी। तो जो हसन निजामी है इसने ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना की, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि जो ताज उल मासिर है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में तो लिखना प्रारंभ किया गया और इसको पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर आता अगला विद्वान मिन्हाजुद्दीन। मिन्हाजुद्दीन ने तबकाते नासूरी की रचना की है। तो तबकाते नासूरी की रचना किसने की? मिन्हाजुद्दीन ने। ठीक है, अब देखिएगा मुसलमान लेखकों के विवरण से हमें चाहमान तुर्क संघर्ष के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो चौहानों और तुर्कों के बीच में कई युद्ध हुए थे, उनके बारे में भी हमें मुसलमान लेखक बताते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे के वीडियोज में हम आपको जैसे कि महत्वपूर्ण जो चौहानों और तुर्कों के मध्य जो संघर्ष हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनके बारे में बताएंगे, और आगे और भी हम आपको जैसे कि राजपूतों के बारे में, इन सब के बारे में वीडियो दिखाएंगे। हमारे यहाँ पर कोशिश ये है कि हम इतिहास विषय को कम्प्लीट करें, और कोई भी एग्ज़ाम चाहे आप लोग दो, आपको हर टॉपिक का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे मिले। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।